प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत बेहद खस्ता है। स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर पदस्थ हैं, इसके बावजूद ड्यूटी करना नहीं चाहते, जिसके कारण जहां आम जनमानस प्राइवेट चिकित्सालयों में इलाज करवाने को मजबूर है, तो वहीं सरकारी डॉक्टर सरकार से मोटी तनख्वाह वसूलने के साथ ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर दोनों हाथों से मलाई छान रहे हैं। पूरा मामला सतना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगुवा का है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि यहाँ बीएमओ डॉक्टर तरुण कांत त्रिपाठी और उनकी पत्नी डॉक्टर खुशबू त्रिपाठी दोनों सरकारी सेवा से अधिक अपने प्राइवेट प्रैक्टिस पर ध्यान लगाते हैं, तो वहीं इनकी देखा देखी इनके कनिष्ठ भी इन्हीं का अनुसरण करते नजर आते हैं। इसके कारण वर्तमान समय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल बदहाल होकर रह गया है। इसी बदहाली के चलते बीते दिनों डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाई गई प्रसूता महिला की दुखद मौत हो गई थी। ग्राम सेजवाड़ निवासी प्रसूता महिला की दुखद मौत के बाद परिजनों के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि जिस समय महिला को डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, उस वक्त रात्रि के समय स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। यहां पर मौजूद नर्स द्वारा कहा गया कि डिलीवरी होने वाली है, इसलिए जच्चा को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और इंजेक्शन लगाते ही प्रसूता का शरीर नीला पड़ गया और उसके बाद मौत हो गई। इस मामले की जानकारी जब सोशल मीडिया में हुई तब हड़कंप मचा। खबरों के बाद चित्रकूट थाना प्रभारी भी ग्राम सहजवाड़ जाकर परिजनों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश में गए, लेकिन तब तक परिजनों द्वारा प्रसूता का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। सीएचसी मझगुवा में जांच के बाबत पत्रकारों द्वारा सीएमएचओ से पूछे जाने पर डॉक्टर एल के तिवारी ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाएं पाई गई हैं, साथ ही डॉक्टरों सहित अन्य कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली लापरवाहियों की जानकारी भी मिली है। अव्यवस्थाओं में सुधार कर दोषियों को दंडित किया जाएगा। महिलाओं ने पिछले कुछ दिनों से बहुत कंप्लेन आ रही थी, उसी के कारण महिलाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, उसको कार्रवाई हुआ। कुछ व्यवस्थाओं में कमी थी तो संबंधित पीपीएम बीएसएम को निर्देश किया गया है और इसमें जल्दी से जल्दी जितना अधिक से अधिक सुधार होता है उसके लगातार प्रयास किए जाएंगे और सुधार होगा। सारे स्टाफ के बारे में आज हमने समीक्षा की, कौन पदस्थ है, कौन एब्सेंट है, किसकी क्या छुट्टी, वो सबकी समीक्षा की, सब नोट किया, जो भी संबंधित दोषी हो सब पे कार्रवाई होगी। पूरी जाँच करा ली है, उसकी भी कार्रवाई चल रही है, उसकी समीक्षा भी की जाएगी डिटेल और किसकी ड्यूटी थी, कौन दोषी है। कमी थी आज पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, साफ सफाई सभी व्यवस्था पे बात हुई है और हमने निरीक्षण कुछ कमी पाई, कुछ ठीक भी चल रहा है। उन कमियों को एक सप्ताह के अंदर ये पूरा करेंगे, दिन ही पूरा करेंगे तो जो जिम्मेदार होगा इस बात के लिए उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी कार्रवाई करने की एक प्रक्रिया होती है, सबसे पहले नोटिस जारी होती है, नोटिस का जवाब देखा जाता है, जवाब सही है कि नहीं है उसके लिए निरीक्षण किया जाता है, जो हम आपने किया है। अब हमने जो पाया है नोटिस के जवाब से संतुष्ट है, नहीं है, इस बात पे कार्रवाई की जाएगी।